दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेलगा वर्सेस एलेस का जो मुकाबला है, इस मुकाबले में ड्रीम के अगले सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा रहेगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले दोस्तों इन दोनों टीमों के अगर जो आपस में मुकाबला हुआ है दोस्तों, उस मुकाबले को देखें दोस्तों, तो लास्ट 5 मैच में दोस्तों मेलगा जो है वो 3 मुकाबला जीती है दोस्तों, और एलेस जो है दोस्तों 1 मुकाबला जीती है और 1 मुकाबला तो ड्रॉ में ख़त्म हुआ है। इससे ये पता चलता है दोस्तों मेलगा जो है वो अच्छी टीम है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गोलकीपर पे फर्नांडो पीछे को जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके बाद डिफेंडर की अगर बात करें, डिफेंडर में कहूँगा डिएगो गोंजालेज जो सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद पॉल बेस जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद एलेक्सिस रुआनो जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद मार्टिन एगुइया रेगाबेरिया जो सबसे अच्छा ऑप्शन माने जाएंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन में से एक प्लेयर है दोस्तों। उसके बाद अगर मिडफील्डर की बात करें, तो मैं कहूंगा आपको मिडफील्डर में आई बाई गोमेस को खिलाएं, इससे अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद कोडी कैस्ट्रो जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद रेचियो जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद मनुएल गार्सिया जो बेहतरीन में से एक है माने जाते हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। मैं कहूँगा आपको आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर फॉरवर्ड की बात करें, तो फॉरवर्ड में कहूँगा म्यूनियर हड्डाडी जो बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, आप इसको खिला सकते हैं। उसके बाद बोरिया बेस्टन जो बहुत बेहतरीन खेलते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जिनका नाम बताया दोस्तों, ड्रीम 11 के लिए इससे अच्छा प्लेइंग 11 हो ही नहीं सकता। मैं कहूँगा आपको अगर ड्रीम 11 पर आप मैच लगाते हैं, तो मेरी माने आप और इसे रख के अपना टीम बनाएं दोस्तों, और ड्रीम 11 पर मैच लगाएं दोस्तों, आपका रैंक है दोस्तों अच्छा ही आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ड्रीम 11 से जुड़ी कोई भी खबर जाननी हो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।